फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन व्हाट इज कंपार्टमेंटेशन इन कंस्ट्रक्शन, हाउ इट इज डन और इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये समझना जरूरी है कि इसे करते क्यों हैं और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। टेक्निकली वैल्यूएबल कंटेंट, अ सिविल इंजीनियर शुड नॉट मिस इट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन विच विल इनेबल यू टू वॉच ऑल सच वैल्यूएबल कंटेंट। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, डिस्कशन में कंपार्टमेंटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले कुछ फोटोग्राफ्स को देखिए। फ्रेंड्स, यह फोटोग्राफ एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बेसमेंट को शो कर रहा है जहां पे फायर फाइटिंग से रिलेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, आपके सामने यह एक वेयर हाउस की फोटोग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, फिनिश गुड्स, उसको यहाँ पे रखा गया है। यह फोटोग्राफ एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेयर हाउस की फोटोग्राफ है। अगेन, दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ ए वेयर हाउस जहाँ पे फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। फ्रेंड्स, अब तक के फोटोग्राफ्स को देख के आप समझ गए होंगे कि कंपार्टमेंटेशन इज रिलेटेड विथ फायर फाइटिंग। सो फ्रेंड्स, कंपार्टमेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल रेफर NBC फायर फाइटिंग से रिलेटेड प्रोविजन। NBC में कहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड? सेक्शन 4 में। एंड फ्रेंड्स, NBC फायर एंड लाइफ सेफ्टी से रिलेटेड डिस्कशन को तीन पार्ट में करता है। फर्स्ट, फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन। तो आज जिस टर्म को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, दैट इज डिस्कस्ड अंडर फायर प्रोटेक्शन। सो फ्रेंड्स, कंपार्टमेंटेशन होता क्या है? इट इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ फायर बैरियर इन द स्ट्रक्चर। तो जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे तो वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फायर बैरियर। साथ ही साथ इट इज़ अ मेथड ऑफ पैसिव फायर प्रोटेक्शन। इट इज़ अ मेथड ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, कि यदि इन केस ऑफ फायर कभी भी बिल्डिंग में, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, वेयर हाउस हो, वट एवर काइंड ऑफ बिल्डिंग, यदि आग लगती है तो वाट शुड बी द इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक वी नीड टू अडॉप्ट। तो उसी का ये पार्ट है कंपार्टमेंटेशन। और इसको किया जाता है सो दैट इंटीग्रिटी ऑफ द फायर बैरियर, जो कंपार्टमेंटेशन से हम बिल्डिंग में फायर बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सो प्लीज पे अटेंशन। इट इज़ अ क्रूशियल कंप्लायंस विथ फायर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। कहने का मतलब, आप कोई भी बिल्डिंग को बना रहे हैं, लेट सपोज आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो बेसमेंट में जहाँ पे पार्किंग की सुविधा बनाई गई है, यदि वहाँ पे आप कंपार्टमेंटेशन नहीं क्रिएट करते हैं यूजिंग फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम, तो आपकी बिल्डिंग को गवर्नमेंट अथॉरिटी विल नॉट पास। उसी तरह से यदि आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे वेयर हाउस यदि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे फिनिश गुड मटेरियल्स को स्टॉक किया जा रहा है, वहाँ पे भी यदि आपने इस कंपार्टमेंटेशन को नहीं क्रिएट किया है, इसका प्रोविज़न नहीं किया है, अगेन बिल्डिंग विल हार्डली बी पास्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, अब तक जो पाँच पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया विथ रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंटेशन, ये छठा पॉइंट उसका क्रक्स है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? बाय डूइंग दिस बिल्डिंग रिमेन्स स्ट्रक्चरली साउंड। सी, कोई भी बिल्डिंग को हम बनाते हैं, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वी आर क्रिएटिंग सम असेट्स, राइट? वी आर इन्वेस्टिंग मनी। तो यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो बिल्डिंग की फंक्शनल लाइफ है, उस दौरान ये प्रॉपरली साउंड एनफ हो हर कंटेक्स्ट में। अब फायर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो कभी भी फायर जैसी इंसिडेंट होती है, तो वहाँ पे आपकी बिल्डिंग इस फायर इंसिडेंट्स को टेक केयर करने के लिए, काउंटर करने के लिए स्ट्रक्चरली साउंड होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपार्टमेंटेशन। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये उठता है कि कंपार्टमेंटेशन कैसे किया जाता है? इट इज़ डन बाय एडॉप्शन ऑफ वेरियस मेथड्स। और यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स को यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। सबसे पहले जैसे वॉल एंड सीलिंग की बात करें, जैसे कि एक स्ट्रक्चर में जो दीवारें बनती है या छत बनती है, उसकी एक फायर रेटिंग होती है। इस फायर रेटिंग को आप देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 और NBC दोनों में डिफाइंड की जाती है। जनरली आप डिज़ाइन में ऑब्जर्व करेंगे कि 2 घंटे की फायर रेटिंग होती है। मीन्स यदि बिल्डिंग में आग लगती है, तो ये पर्टिकुलर यूनिट 2 घंटे तक फायर को रेसिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या होगा? प्रोविजन ऑफ फायर डैम्पर। यदि एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में आप देखेंगे HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम यदि लगा रहे हैं, मीन्स फ्रेश एयर इज सप्लाइड थ्रू द एयर हैंडलिंग यूनिट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है? ऑक्सीजन क्या होता है? आग को और बढ़ाता है। तो जब भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में HVAC सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो इसमें फायर डैम्पर की प्रोविज़न की जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फायर जैसी कोई इंसिडेंट्स हो, तो इमिडिएटली जो फ्रेश एयर की सप्लाई की जा रही है एयर हैंडलिंग यूनिट से, उसको कट कर दिया जाए। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ फायर डोर्स इन फायर स्टेयरकेस।
मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि एक बिल्डिंग में मिनिमम कितने स्टेयरकेस होते हैं, 2, ज़्यादा का भी प्रोविज़न हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो उसमें से एक जो फायर स्टेयरकेस होगा उसमें आप देखेंगे कि पैनिक बार लगी होती है, जैसे ही पैनिक बार को आप पुश करेंगे डोर विल ओपन राइटवर्ड और उससे फिर जो भी बिल्डिंग में ऑक्यूपेंट्स है कैन एस्केप यूजिंग द फायर स्टेयरकेस। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फायर अलार्म सिस्टम एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। तो कभी भी फायर जैसी इंसिडेंट्स होगी तो स्मोक होगा, स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, तो दैट गिव यू द वार्निंग सिग्नल। तो कंपार्टमेंटेशन की जो नेक्स्ट टेक्निक होगी ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, और जो हम आज बात कर रहे हैं वीडियो में दैट इज रिलेटेड विद द ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। सो लेट्स एग्जामिन कि इसका प्रोविजन NBC 2016 में क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, कंपार्टमेंटेशन को डिस्कस किया गया है NBC के सेक्शन 4 में फायर एंड लाइफ सेफ्टी, और इसमें क्लॉज नंबर 4.5 आपको रेफर करना है। यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, ऑल फ्लोर शैल बी कंपार्टमेंटेड विथ एरिया ऑफ ईच कंपार्टमेंट बींग नॉट मोर देन 750 स्क्वायर मीटर एरिया। इस बात को एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान से समझते हैं। इस ड्राइंग को रेफर कीजिए फ्रेंड, यह एक वेयर हाउस का फ्लोर प्लान है और इसके एरिया को देखिए फ्रेंड। लेट सपोज इसके एरिया को हम कंसिडर करते हैं 6025 स्क्वायर मीटर एरिया। तो फ्रेंड्स, अभी जो NBC की प्रोविजंस को हमने देखा उसका मतलब ये है कि इस पूरे एरिया को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 750 स्क्वायर मीटर एरिया के जोन में। साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो ये 750 स्क्वायर मीटर एरिया का कंपार्टमेंट बनेगा वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करे, मीन्स प्रॉपर इसमें फायर सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया जाए। फ्रेंड्स, ये तो होगी फर्स्ट प्रोविजन। साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम साइज ऑफ द कंपार्टमेंट शैल बी एज फॉलो इन केस ऑफ अ स्प्रिंकल्ड बेसमेंट और बिल्डिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे इन्होंने 7 डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को डिफाइन किया गया है। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे 2 सिचुएशन को, फर्स्ट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए और दूसरा हम कंसिडर करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहला प्रोविजन को अंडरस्टैंड कीजिए, बेसमेंट विथ कार पार्किंग। यहाँ क्या लिखा हुआ, कंपार्टमेंट एरिया 3000 स्क्वायर मीटर एरिया। कहने का मतलब बेसमेंट का एरिया जो भी हो आप 3000 स्क्वायर मीटर एरिया मैक्सिमम पकड़ के आप फायर फाइटिंग की जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको डिजाइन कर सकते हैं, या फिर इससे कम भी लेके डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट पॉइंट को रेफर करते हैं, क्या लिखते हैं ये, ऑल अदर बिल्डिंग्स इसके लिए कंपार्टमेंट की मैक्सिमम एरिया क्या लिखते हैं, 750 स्क्वायर मीटर एरिया। और यहाँ साथ ही साथ लिखते हैं एक्सक्लूडिंग, मतलब किसको छोड़ना है, लो हैजार्ड एंड मॉडरेट हैजार्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को और स्टोरेज बिल्डिंग को, स्टोरेज मीन्स वेयर हाउस। तो इन सबको छोड़ दिया जाए तो 750 स्क्वायर मीटर एरिया लेके आप फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो 3 यूनिट्स को हमने छोड़ा है, वेयर हाउस, लो हैजार्ड एंड मॉडरेट हैजार्ड के लिए, इसके लिए क्या प्रोविजन ये लिखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, कंपार्टमेंटेशन ऑफ लो हैजार्ड एंड मॉडरेट हैजार्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड द स्टोरेज बिल्डिंग शैल बी डन इन कंसल्टेशन विद द लोकल फायर डिपार्टमेंट। इस बात को इस तरह से समझिए फ्रेंड कि कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें, लेट सपोज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तो इसका पहले डिज़ाइन फाइनल होता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को सबमिशन में जाता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी उस ड्राइंग को अप्रूव करते हैं, डिज़ाइन को अप्रूव करते हैं, देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है साइट के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, तो उसके लिए जो फायर की डिज़ाइन होगी उसको अप्रूव कौन करेंगे, लोकल फायर डिपार्टमेंट। तो लोकल फायर डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोविजंस दे सकते हैं कि यहाँ पे 750 स्क्वायर मीटर एरिया रखना है या कुछ और रखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये वेयर हाउस की ड्राइंग है, दिस इज एक्चुअली वेयर हाउस कंस्ट्रक्टेड समवेयर इन हरियाणा। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को सबमिशन में देने के बाद जो लोकल फायर डिपार्टमेंट है उसने कंपार्टमेंटेशन को डिफाइन किया क्या, 1500 स्क्वायर मीटर एरिया। कहने का मतलब इस वेयर हाउस की जो फ्लोर एरिया होगी या प्लान एरिया होगा उसको क्या किया जाएगा, 1500 स्क्वायर मीटर के जोन में बांटा जाएगा पूरे एरिया को, और जितने भी जोन्स बनेंगे उतने जोन में कंपार्टमेंटेशन किया जाएगा, मतलब फायर स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो देखिए रेड कलर से मैंने बॉक्सेस मार्क किया हुआ है, इस एरिया में आपको फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। ये फ्रेंड्स जो आपके सामने फोटोग्राफ है वेयर हाउस का, ये वही वेयर हाउस है जिसकी ड्राइंग को हमने रेफर किया। यहाँ पे देखिए फायर फाइटिंग के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम को
इंस्टॉल किया गया है। और इस स्प्रिंकलर सिस्टम के डिजाइन में जो कंपार्टमेंटेशन की जो एरिया कंसीडर की गई है, दैट इज अ 1500 स्क्वायर मीटर एरिया। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं और इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपार्टमेंटेशन क्यों किया जाता है और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए फ्रेंड कि दिस इज अ मेथड ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। कहने का मतलब, जब भी सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो भी पोटेंशियल रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जाता है। पॉइंट, बाय डूइंग दिस वी आर क्रिएटिंग अ साउंड स्ट्रक्चर। सी, बिल्डिंग को जैसे कि डिज़ाइन किया गया है, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को लेट सपोज 40 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को आप 70 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो उस ड्यूरेशन में बिल्डिंग साउंड इनफ हो हर तरह से अपनी फंक्शनल कंडीशन में, इसके लिए ज़रूरी है कि इट शुड बी सेफ इनफ इन केस ऑफ फायर। लास्ट पॉइंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग प्रोविजन्स ऑफ लाइफ सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ एसेट्स। सी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो भी ऑक्यूपेंट्स होंगे, यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कुछ रहने वाले लोग होंगे, यदि इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होंगे, स्टाफ काम कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो लाइफ की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए ये करना सबसे पहले ज़रूरी है। और दूसरी बात समझिए कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी आर क्रिएटिंग सम असेट्स, राइट? तो उस असेट्स को हम खो नहीं दें, उसको प्रिजर्व करके रखें फॉर इट्स डिज़ाइन लाइफ। तो इसके लिए ज़रूरी है, वी मस्ट हैव टू हैव सम प्रोविजंस रिलेटेड टू फायर, जिसके लिए कंपार्टमेंटेशन को किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस सच वैल्यूएबल कंटेंट ऑन विमुति सेंटर ऑफ एक्सलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।